वीडियो क्रॉप करवो ता तो हुई किसी भी देवी देवता पर चावल चढ़ाते हैं तो एक भी टूटा हुआ चमच कैसे बना बताओ ठीक है पापा कैसा लग रहा हो बताओ कैसा लग रहा पापा अच्छा ना लग रहा देख रहा है मम्मी चमची तो हेलो दोस्तों राधे राधे कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉग और सुमन में। तो आज सुबह मैंने बनाया था उपमा। मेरे हस्बैंड को मीठा रवा पसंद नहीं है इसलिए मैंने उनके लिए बनाया था नमक वाला रवा और वो लोग खा रहे थे। और उसके बाद मैं जा रही थी मंदिर में पूजा करने के लिए क्योंकि बगल में ही हमारे एक मंदिर है शंकर भगवान का। तो मैंने कहा मैं गाँव में आई हूँ तो मैं उन पर रोज़ डेली एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊँगी तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। मैंने मम्मी से कहा था कि बेलपत्री के पत्ते लेकर आना मगर बेलपत्री के पेड़ पर पत्ते सूख से गए थे तो फिर वो उनको मिले ही नहीं। मैंने उनको बोला तो था अगर हम किसी भी देवी देवता पर चावल चढ़ाते हैं तो एक भी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। बहुत लोग इसको अक्षत भी बोलते हैं तो आप ध्यान रखें कि टूटे हुए चावल बिल्कुल भी आती पसा दे दे। और मेरी मम्मी गई है पसाद रह ले बेलपत्री तो पसाद ले ले पसाद मेरी मम्मी गई जय में समझ ले लेंगे अभी और नहीं मुझे बहुत चाहिए था क्या बोलते उसको फ्रेंड। मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि थोड़ी मतलब बगल में एक दो घर छोड़ के मंदिर है तो मुझे इस तरीके से घूंघट करके जाना पड़ेगा क्योंकि भैया मैं गांव में रहती हूँ तो उस हिसाब से मुझे चलना पड़ता है गांव में। शहर में मैं कुछ भी पहनूँ कैसे भी रहूँ लेकिन गाँव में आती हूँ तो उस हिसाब से रहना पड़ता है। मैं बड़ी गोरी गोरी चमक रही हूँ यार। चलो अब हम जाते हैं यहाँ से। मम्मी आई नहीं मम्मी आ जाएंगे तो पूजा करने के लिए जाएंगे। बस वीडियो लाइक कर दिया करो आप लोग लाइक नहीं करते शेयर नहीं करते हो। और घर का सारा काम झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन सब हो गया है। मम्मी सूखने भी डाल के आई है कपड़े। अभी रोटी बाकी है तो रोटी बनाऊंगी मैं पूजा करके आने के बाद। मैं सोच रही हूँ जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक हमारे बगल में एक शिव जी का मंदिर है मैं वहाँ पे डेली जाया करूँ जल चढ़ाने के लिए। देखो मम्मी फूल लेकर आई है पत्ते तो मिले नहीं। पापा गए जा खनका ले आओ खनका ले अभी पापा गए देखो लेके आते हैं तो फिर मैं जाती हूँ मिल जाए तो नहीं तो फूल तो मिल ही गए। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ ये हमारे दो घर छोड़ के मंदिर है तो बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली है क्योंकि आज कुछ चमत्कार हुआ वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। मैं जब पूजा कर रही थी ना तो शिव जो शिव शंकर हैं जो भोले बाबा हैं उनके ऊपर से एक फूल अपने आप गिरा और फिर थोड़ी देर बाद जो पार्वती जी हैं उनके ऊपर से भी फूल अपने आप गिरा। तो चलिए अभी आप लोग देखना कि कब ऐसा हुआ था। तो अभी आप थोड़ी देर देखो अभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया फिर भी अपने आप एक देखो एक फूल गिरा ना भोले बाबा के ऊपर से। अब थोड़ी सी देर बाद अब जो पार्वती जी के ऊपर जो फूल रखा है ना वो भी अपने आप गिरेगा। कहते हैं कि भगवान के ऊपर जो चढ़े हुए फूल अगर गिरते हैं ना जब हम पूजा करने जाते हैं तो ऐसा माना जाता है। ये देखो फूल गिरा ना पार्वती के ऊपर से तो ये माना जाता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जितनी भी मैंने मेहनत करी है बस उसका फल मुझे मिल जाए। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे पूजा करने के बाद। लौकी रखी हुई थी क्योंकि एक लौकी मैंने उस दिन बनाई थी और एक लौकी मैं दो लौकी अभी बनाऊंगी क्योंकि उस टाइम मैंने रात को बनाई थी तो रात को थोड़ी सब्जी उससे काम चल जाता है मगर जो सुबह बनाते हैं ना तो ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो ये देख लीजिए और उसके बाद सब्जी बनाने के बाद पहले तो मैं नहा धोकर पहले चली गई मंदिर पूजा करने के लिए और उसके बाद मैं आकर यहाँ पे सब्जी बनाने लगी। मेरे सासू माँ भी पानी भर रही थी पानी वानी उन्होंने भर के गर्म करने के लिए लगा दिया था क्योंकि गांव में तो जो रॉड होती है ना उससे पानी गर्म करते हैं। जो गांव के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं आप लोगों को।
फ्रेंड सब्जी बनेगी चूल्हे पर, मैं काट के रख देती हूँ। तो मम्मी ने चूल्हे पे सब्जी बनाई थी और फिर रोटी भी बाजरे की बनाई थी। मुझे बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती है, तो मम्मी ने बाजरे की रोटी बनाई थी। फिर हम लोग छत पर ही बैठकर खा रहे थे क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा था, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी। धूप में बैठना, खाना बनाना, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मम्मी भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी, पापा और जो हमारे दाऊ है यानी कि बड़े पापा है, वो खाना खा के नीचे जा चुके थे। उसके बाद मैं और मेरे सासू माँ खाना खा रही थी। मेरे हम छत पे बैठ कर रोटी खा हम छत पे बैठ कर परात नीचे ले गए हम काय का को पानी माने वो बाजरे की रोटी बनाई है मम्मी ने चूल्हे पे, ये रखा चूल्हा और यहाँ पे खा रहे हैं। ये देखो खाए पी के बर्तन तो लेके जाएंगे नीचे, गांव का मजा होता है। गांव का मजा होता है वो देखो, ये हमारी कुतिया है और ये देखो ये भी। हम बाजरे की रोटी खाते तो ये बाजरे की रोटी खाती है, हम गेहूँ की खाते तो ये खाती नहीं है, गेहूँ की मांगती है। तो देखो कितनी बढ़िया शिकारी, इसके चार बच्चे हैं। तो चलो जल्दी खा लेता खाना और फिर थोड़ा सा काम करता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंडो मेरे जो दादा ससुर हैं उन्होंने से बोला था कि तुम मुझे बाजरे की रोटी बना के दिखाओ। उनको नहीं पता था कि मुझे बाजरे की रोटी बनानी आती है, पहले नहीं आती थी लेकिन अब मैं सीख गई हूँ। तो फिर भी मुझे लोई बनाना नहीं आ रहा था, तो मेरी सासू जो छोटी सासी चाची सास है वो सिखा रही थी कि लोई इस तरीके से बनाते हैं। तो देख लीजिए गांव में यही होता है कि सब चीज़ें हमको कोई काम नहीं आता तो सब लोग बता देते, शहर में किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है, आता है तो ठीक ना तो ना बात, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। तो मैं उन्होंने मुझे लोई बना के दे दिया, फिर मैं बना रही थी। बाबा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने रोटी बना ली, सच बता रहे हैं। पहले मुझे नहीं आती थी, अब तो मैं बहुत आसानी से रोटी को बना लेती हूँ, बढ़ा भी लेती हूँ एकदम गोल मटोल। तो हाथों से बना रही हूँ, ये देख लीजिए पीछे आपको दिख रही है ना, वो मेरी दूसरे नंबर तीसरे नंबर की चाची सास हैं। तो मेरा फैमिली बहुत बड़ी है, तो अगर आप लोग को चाहोगे तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को सबसे मिलाऊँगी फुल फैमिली से। तो चलिए रोटी को धीरे धीरे इसी तरीके से बनानी पड़ती है बाजरे की रोटी, वरना टूट जाती है। तो ये देख लीजिए कितनी बढ़िया पतली एकदम गोल मटोल बनी थी। बाबा बाजरे की रोटी ही खा रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि अब मैं आप बाजरे की रोटी बनाओगे ना तो तुम मुझे नेक दोगे, नेक देना। तो बाबा हंस रहे थे। फिर उसके बाद हमने जब तवे पे डाली तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, देख लीजिए इस तरीके से। फिर उसको सही कर दिया चाची जी ने, क्योंकि बाजरे की रोटी तो मुझे बनाना आता है पर चूल्हा जलाना नहीं आता। चूल्हे पर मैंने रोटी नहीं बनाई इसलिए मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता है। तो चाची मैंने बोला चाची मैंने बना दिया तुम सेक देना, तो चाची बना रही थी तो वो सेक देंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी रोटी सच में कैसी बनी। अगर आप लोगों को भी बाजरे की रोटी या फिर चूल्हे की रोटियां पसंद हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस को बाजरे की रोटी पसंद है। दो दिन से तो यहाँ पर बारिश इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि सर्दी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ रही है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। मैंने बाजरे की रोटी बना ली थी, बाबा ने बोला था कि बाजरे की रोटी बनाओ ना तो तुमको नेक देंगे। देखो बाबा बैठे हैं, ये रोटी मैंने बनाई है, ये देखो सेक रही है वो चाची, सेक रही बाबा खा रहे हैं। और ये हमारी दूसरी चाची तो धुआं कर रही है। चाची कहा कर रही है तुम धुआं कर करके मना कर रहा, कोई बात नहीं मेरे साथ घूम के वापस आ जाना घर पे। चलो चाची के तो हम तैयार सोना मई दुकान पे आ जाए जा। बस वहां से आना पड़ेगा। मैंने बनाई है ये देखो, ये वाली रोटी मैंने बनाई है, बाबा को देंगे जाके। बाबा देखो अगर अच्छी नहीं बनी हो तो कहो। बढ़िया बनी है बनी है बढ़िया दादा बेची कह रहा है हाल देख के तो कल ही पता पड़े वो बढ़िया बनी है ना। अब गिफ्ट दे अब नेक दो रोटी कल ले फाइव स्टार मिलेंगे थ्री स्टार ही रहेगा। नहीं नहीं फाइव के फाइव ही मिलेंगे। कल मेरे अरे यार चाची ना आके खोल देखो बाबा कह रहे थे, मैं बाबा तुम्हारे जैसे नहीं है समझ गए।